जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी इम्तियाज अहमद। देश दुनिया और राजनीति जगत से जुड़ी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें आपका अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल सफर आपके साथ। आइए बढ़ते हैं आज की इस खास खबर की ओर। सोनिया गांधी जी, पार्टी की ओर से आपसे पिछले कुछ दिनों में कई सवाल पूछे गए और पटना में मैंने एक राष्ट्रीय स्तर की प्रेस की थी और विस्तार से पूछा था आप खामोश क्यों हैं, रोज अपमान हो रहा है भारत की विरासत का, भारत की संस्कृति का, सनातन धर्म का, आप खामोश हैं। और राहुल गांधी प्रियंका से भी पूछा था, प्रियंका जी से भी पूछा था, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आज जो डीएमके के शिक्षा मंत्री हैं उनकी टिप्पणी जो आई है वो तो कमाल की आई है। मिस्टर पोन मुडी, और अंग्रेजी में एक शब्द है द कैट इज आउट ऑफ द बैग, जो हमारी सोच थी वो सामने आ गई कि इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन धर्म के विरोध के लिए बना है और उसे खत्म करना है। मेरे पास उनका इंग्लिश टेक्स्ट भी है जो उन्होंने उसी सनातन धर्म विरोधी कार्यक्रम में कहा था जिसमें स्टालिन जी मुख्यमंत्री के पुत्र ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी और बाद में तो डी राजा ने कहा कि ये एड्स से भी अधिक संक्रामक है, इट इज वर्स देन एड्स एंड टीबी। आज हम बीजेपी की ओर से कुछ बड़े सवाल रखना चाहते हैं। जो वहां के शिक्षा मंत्री ने कहा है वो एक सच्चाई है और इनका हिडन एजेंडा है सनातन धर्म का विरोध करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना, और इस पूरी प्रक्रिया में ये लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं।